Assalamualaikum and welcome back to another vlog of Farhan's World. And सीन कुछ यूँ है कि आपका भाई अभी सो सो के उठा, नाश्ता वाश्ता करने लगे हैं और बाहर सर्दी है इतनी ज़्यादा कि सर्दी की वजह से आपके भाई की आँख खुली और अभी तो सोच के ये अजीबो गरीब हो रहा है कि अभी तो जाना भी बाइक पे और बाहर सर्दी और मोयों ऑयल, तो जिंदा पहुँचेंगे कि रास्ते में ही फ्रीज हो जाएंगे। खैर कोई नहीं, अभी निकलते हैं और फिर आपको चेक कराते हैं सीन्स पार्क। बाहर मौसम चेक करें, बारिश बिल्कुल करीब करीब ही काम चल रहा है और हो जाएगी बारिश। जब आपका भाई सो के उठा है, मैंने कहा मैं नाश्ता वाश्ता करता हूँ तो थोड़ा टाइम बचा लेते हैं। मैंने छोटे भाई को भेजा, मैंने कहा जा यार बाइक में पेट्रोल डलवा, मेरे वॉलेट से पैसे निकाल ले। उसने मेरा वॉलेट उठाया तो वॉलेट उठाते ही कहता है भाई भाई कौन से पैसे, कैसे पैसे, वॉलेट ही खाली है। फिर मैंने कहा यार ये तो दुख ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो रहे, कुछ करना पड़ेगा, कुछ अपने आप आना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसको बोला जा यार चाय टीम से निकलवा ले पैसे, यार चाय के पेट्रोल डलवा के निकलूँ मैं। पेट्रोल शेट्रोल वो डलवा के आया और बाहर कह रहा है सर्दी बहुत पोयों ऑयल की सर्विस में, अभी बाहर जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि मेरा भी आज काम तमाम हो जाएगा। जैकेट पहनी है, इसी तरह जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रही, इसी तरह जाऊँगा। यूनिवर्सिटी तो पहुंच गए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी पहुंचते ही सूरज नज़र आ गया और मौसम के अंदर एक प्रॉपर चेंज आ गया। ये तो बैड सीन हो गया, अच्छा वाला सर्दी वाला मौसम था, मज़े आ रहे थे। पहुंच गए जी यूनिवर्सिटी पोयो ऑयल की सर्विस में और साथ हमारे जी छगु आज पहली दफा एक्टिवेटेड नजर आया। वो उमरा भाग रहा है, कह रहा यार मैंने व्लॉग में नहीं आना। मैंने कहा चल सही है ना यार, यानी जी मेरे एक व्लॉग के ऊपर उमर भाई आज खुशी में आ रहे हैं, 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ आज, वो कह रहे हैं गाड़ी में थोड़ी सी चलाऊंगा। नहीं अभी वो घर से पहुंचा है। ये रहा वो क्या नाम है उसका, कल एक बार साथ पार्ट हो गया बड़ा हैवी किस्म का। क्या पार्ट ये हो गया कि मैंने एक मैच के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी। केड़े मैच के पर ये जो पाकिस्तान का गुजरा है उसकी पूरी वीडियो पे स्ट्राइक पड़ गई है पक्की पक्की। वो वीडियो शो ही नहीं हो रही, वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही, 100% अपलोड नहीं हो रही। जिसने कहा था ना कि वीडियोस पे स्ट्राइक ही लग गया, उसको बैठो ऐसे लगती नहीं है चेहरा। क्या नहीं उमर वॉशरूम गया और वॉशरूम के आगे बस सो गया। उमर आवाज आ रही है, ऊंचा बोलो थोड़ा, आ जाओ सुबह होगी है इतनी देर में। सही अच्छे लग रहे हो भाई। इस मौसम में क्लास लेने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, इधर क्लास हो रही है। मनहूस पहले क्लास के अंदर गए और अब क्लास से वापस निकल के आ गए और आके ड्रामे कर रहा है कि मैच मेरे बस का नहीं है। क्या करने लगे टिश्यू के साथ, तो जूतों के लिए पॉलिश होती है, ये शाइनर होता है भाई, घर से लाया करो ना। और बैग मेरा घर रहा। ये देखें इसको टेडी बियर को जूते साफ कर रहा सुबह सुबह बैग। ये क्या हो रहा है आपका भाई, यूनिवर्सिटी आया बैग घर छोड़ा है, जिसके लिए स्पेशली मैंने बैग लेके आया। तो मैंने सोचा था बैग लेके आया करूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास है, नोट्स नोट्स वाली कहानी आपको याद होगी, वो मैंने उधर आपको सुनाई थी, उधर सुनाई थी, वो प्रिंट करा के मिले आया, सब कुछ कर लिया और एंड पे आके अब मैं बैग नहीं लेके आया क्योंकि मैं हूं। एक छोटी सी पेशेंट गोई आई है, आप लोग भी सुनिएगा, मैं भी सुनता हूँ, मतलब मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो शख्स खड़ा है उमर वसीम इनका नाम है, ये भाई कह रहे हैं कि अभी हम थर्ड फ्लोर पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं, कह रहा है थर्ड फ्लोर से मैं अगर छलांग मारूँ ना नीचे तो मेरी टांगे नहीं टूटेंगी, मेरे में इतनी एनर्जी है कि मैं छलांग मार सकता हूँ। यहाँ इस मिट्टी पर नहीं टूटेंगी, इस टफ टाइल पर टूट जाएंगी। आप इधर नीचे, मैं कहता हूँ मिट्टी को मैं कच्चा भी कर देता हूँ, वो फसल वाली नहीं होती वो भी कर देता हूँ, आप तब भी छलांग मारोगे तो दोनों टांगे, एक भी नहीं दोनों टूटेंगी, साथ चार पांच पसलियां भी जाएंगी। नहीं, है फिल्म है, दोबारा करो। दोबारा करो।
क्यों ये क्यों नाम के आई एन जी एस टी ओ पी स्टॉप किंग स्टॉप तेरे पे है के आई एन जी एस टी ओ पी किंग स्टॉप बच गया अब मेरी बारी के आई एन जी एस टी ओ पी स्टॉप किंग स्टॉप हाँ जी चटा तो बंद कर के आई एन जी एस टी ओ पी किंग उसमें आ गया कहनी तेरे पे आया ये रिफ्लेक्सेस भाई जी फिर रेडी था मैं फिर प्यार था मेंटली इधर बस तो कंक्लूजन ऑफ द गेम यहाँ पे बहुत तेज प्लेयर थे काइंडली हमारे साथ किंग्स ड्रॉप ना खेलिएगा नहीं तो आप बहुत बुरी तरह शिकस्त हासिल कर पहले सेमेस्टर के बच्चे चेक कर रहे हैं पढ़ाकू माशाल्लाह ये देखें सातवें सेमेस्टर की मैंने उस शक्ल है ये तो हो गई है बारिश स्टार्ट और अब चेक करें धीमी धीमी सी है बट है बारिश तो बारिश है जैसी भी है बारांदे या दिल तो नहीं कर रहा फुटबॉल खेलने जाएं मौसम को देखकर लेकिन फुटबॉल तो आपको पता है परमानेंट एक और छोटा सा एक कन्फेशन हुआ है ये कह रहे मैं पागल हूँ मैं आपको पागल लगता हूँ पागल तो ये है पागल है ना लगता है ना मुझे पता है मुझे कौन पागल है कौन है इधर देख इधर देख भाई सारा ये कौन से सर है हमारे ये हमारे सर है माली है माली नहीं है यार जी मौसम चेक वाइब चेक मौसम चेक है उमर कौन सा गाना है वो चेक चेक इस मौसम के अंदर मैं कहता हूँ गलम गलम पकोले हो छात गलम गलम चटनी हो बस मजा आ जाए तो क्लास है तो सर को कहो ना इंसान के बच्चों की तरह एक टाइम पे क्लास लिया करें जी मौसम देख के आपका दिल कर रहा है क्लास लेने का जी कर रहे हैं चलो ठीक है फिर पहुंचो आप क्लास में मेरा दिल नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ रहा है क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट नहीं करनी इसके अंदर अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जिसके नोट्स प्रिंट करवाए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम भी नहीं आता मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसके नोट्स प्रिंट कराए थे सर ने कहा था मैं अटेंडेंस लगाऊंगा अगर आप लोगों के पास बुक हुई मेरे पास बुक थी मैंने शोर भी डाला सर जी प्रेजेंट सर ने फिर भी इसका भी ए नहीं लगाया पी लगाया लेकिन रेड मार्कर से लगाया रेड पेन से क्योंकि सर कहते हैं स्पेशल स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली ट्रीट करता हूँ क्योंकि पेन ही नहीं था सो अटेंडेंस जो है वो सर नहीं लगा रहे थे सर जो है हमारे थोड़े डाटा होना करके आते हैं तो बेचारे बहुत ज्यादा मुश्किल में सर बोलते थे आया मौसम आया पोयो ये इधर एक बकरी खड़ी हुई है इस बकरी को लेने के लिए आई है जानवरों के लिए मोबाइल अस्पताल इस बकरी को लेने आया किस बकरी को वाइट ये छोटे छोटे बच्चों के क्रिकेट के ट्रायल्स हो रहे हैं ये असल में ना बॉलिंग है यहाँ यहाँ से हारिस रऊफ इधर से आपको पता है ये बात इनको पता होगी हारिस रऊफ वाली ये बास्केटबॉल के हो रहे हैं ना मुंह ना मथा का दिन के चार चार फुट है और खेलना बास्केटबॉल देख रहे हैं आप इनका नाम हुसैन ये फुटबॉल खेलने के लिए आए हैं इनको मैं दो इधर ग्राउंड के स्प्रिंट लगवाऊँ इनकी छः महीने इनको सांस वापस नहीं आना तो हमारे बच्चे किधर हैं
हमारे बच्चे किधर हैं? उनका टाइम अप हो गया, वो थक गए इस टाइम तक। नहीं जी नहीं, हमारे बच्चे इधर ही खेल रहे होंगे। हमारे बच्चे गुम हो गए हैं। मस्जिद में ऐलान कराओ। मैं ज़रा मस्जिद में ऐलान करा के आपको वापस कॉल करता हूँ। क्या नहीं फोत हो गया जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं मिल रही कॉल शॉल, और ये इसकी नज़र ढूंढ रही है उसको। यार देखें आप आंखें पड़े इसकी, ऐसा लग रहा है। क्या नहीं जिंदा हो गया जी, मुबारक हो। वरना मैं तो इसको ब्रिस्तान में जा रहा था, क्या नहीं वो मैंने कहा चलो जाके उसकी कब्र में एक दफ़ा सलाम सलाम दें बेचारे को। लेकिन हो गया वो जिंदा, अभी चाहते हैं खाना खाते। ये है जी क्या नहीं भैया, हमें मिल गए हैं क्रिकेट खेलने के बाद। हार्ट बीट चेक करा पहले, सांस तो नहीं चढ़ा, मैं ये देख रहा हूँ। क्रिकेट तुमने बहुत खेला है। मौसम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फैसला ये किया है कि मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि बारिश बारिश और मौसम दोनों कह रहे हैं। घर जाते जाते सबकी छुट्टी करा दी है, सब घर जा रहे हैं। और अभी फरहान भाई ने 350 छींके मारी है। पूरी क्लास घर जा चुकी है और फरहान भाई ने खुद क्लास कैंसिल करा दी। मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ बड़े लोगों ने कुर्बानी दी है, वो भी जा रहे हैं, क्लास कोई नहीं ले रहा। सो निकलते हैं घर को, आपको मिलते हैं घर में, क्योंकि मेरी तबीयत होने लगी है ख़राब, क्योंकि सर्दी हो गई है ज़्यादा। सो टोपी उड़ गई तो समझो प्रोग्राम तो बढ़ गया। ये उम्र के वालिद साहब आ रहे हैं यहाँ से, ये 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 आगे देखें पहुँच के आपका भाई घर। अल्लाह आपसे गीला हो के अब आप सोचेंगे कि यूनिवर्सिटी क्यों नहीं रोका, क्या मौत पड़ी थी इसको कि यूनिवर्सिटी से निकल आया बारिश में। तो उसके पीछे एक छोटी सी वजह, कुछ कागज़ के टुकड़े दिखाता हूँ। इनकी वजह से, इन कागज़ के टुकड़ों की वजह से आपका भाई कुत्तों की तरह मिली हो गया है। ये देखें तो आपका भाई घर आ चुका था। घर आने के बाद अभी कपड़े कपड़े चेंज करके नमाज शमाज पढ़ी है, गलम गलम दुदू पिया, और अभी लेटते हैं आखिरी सच सीज़न देखते हैं। और ये आप पहले ये देखें कि मैंने नीचे अभी फोम बिछवाया और इसके अंदर कौन सोया हुआ। ये तेरे अबू की जगह है, ये इस अबू की जगह है, दफा हो इधर से, चल भाग जा, सर्दी लग रही है, चल फिर सो ही रहा। हम सीज़न देखते हैं और फिर हम आपको छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो आँख खुल चुकी है जी, सो के उठ के हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो सोना बेहतर समझा, और अब सर फट रहा है दर्द से, लग रहा है कि बस काम होने वाला, बीमार होने के बहुत बहुत करीब हैं हम। खैर कोई बात नहीं, बीमार तो होता रहता है इंसान। सो अभी उठते हैं, फ्रेश फ्रुश होते हैं, फिर मिलते हैं आपको वापस। मैं मेरे सर में दर्द इतना शदीद बढ़ता जा रहा था कि मैं पैनाडोल वगैरह, मैं क्योंकि ये जो एलोपैथिक की मेडिसिन होती हैं मैं जितना हो सकता है इनको अवॉइड करता हूँ। और सीन ये हुआ कि सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं सर की तरह से वो करवाता हूँ, फिर भूल गया फैसल क्या लफ्ज़ होता है, चांपी, सर की मालिश और चांपी करवाता हूँ। तो अभी वो मालिश कर रहे हैं फैसल, और मैं कहता हूँ कि फैसल जैसा अच्छा बच्चा एक आध दुनिया में और पैदा हो जाए ना तो मेरा काम हो जाएगा। बहुत मज़ा आता है मुझे, मुझे आपको मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि मेरे बालों के साथ कोई खेले ना तो पास सब अच्छा। नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और मैं कहता हूँ मज़ा आ गया, गर्म गर्म पानी ऐसे करके, ये देख रहे हैं फ्लो चेक कर रहे हैं आप, ऐसे करके मज़ा आ गया ना आगे। खैर अभी यह सीन के अभी जिम शिम चलते हैं और जाके गेम शिम लगाते हैं, वर्कआउट मारते हैं, आज चेस्ट डे है, सो लेट्स गो। मैंने उस दिन लगवाई है लेग्स की गेम, और अब उसके बाद आप इसकी ज़रा इसकी वॉक चेक करें, ये कैट वॉक में बदल गई है इसकी वॉक। इधर आ जरा थाई दिखा। क्या होता है खान जी, दर्द होती है, दर्द हाँ। प्यार में जो दर्द होता है वो वाला या उससे ज्यादा? नहीं उससे ज्यादा, उससे ज्यादा बेटी।
जी जिम से आ चुके हैं हम घर और अब हम करेंगे डाइट अंदर थोड़ी सी प्रोटीन शोटीन यू नो मिल्क शेक अंडे वंडे खाना वाना। सो आज का व्लॉग हम करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे और शेयर भी नहीं कर रहे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनका तो अलग हिसाब होगा। अलग अल्लाह हाफिज़।